इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है डुमरियागंज से। श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया। कथावाचक संतोष कुमार मिश्रा द्वारा श्रीमद् भागवत कथा का अमृत बरसाया गया। इस कार्यक्रम में भाव भजन का आनंद लेने दूर दूर से भक्तगण आए। भागवत कार्यकर्ता का आयोजक दुर्गेश कुमार, मुकेश कुमार, ब्रजेश कुमार, ओम प्रकाश और सभी ग्रामवासी द्वारा आयोजन किया गया। आइए देखते हैं अवधेश कुमार श्रीवास्तव की खास रिपोर्ट। मारने लगा तब इंद्र ने जैसे वृत्रासुर पर प्रहार किया था, उसी प्रकार भगवान ने उसकी कलपटी पर एक तमाचा मारा। विजय विजयी भगवान ने जब बड़ी उपेक्षा से तमाचा मारा था तो भी उसकी चोट से हिरणाक्ष का शरीर घूमने लगा, उसके नेत्र बाहर निकल आए तथा हाथ और पैर बाल छिन्न भिन्न हो गए और निष्प्राण होकर आधी से उखड़ कर जमीन पर गिरकर उसके प्राण पखेरू उड़ गए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। इस तरीके से भगवान ने हिरणाक्ष का वध किया। देवता लोग कहने लगे, प्रभु आपको बारंबार नमस्कार है, आप संपूर्ण यज्ञों का विस्तार करने वाले हैं तथा संसार की स्थिति के लिए शुद्ध सत्यमय और मंगल विग्रह प्रकट करते हैं। बड़े आनंद की बात है कि संसार को कष्ट देने वाला यह दैत्य मारा गया। अब आपके चरणों की भक्ति के प्रभाव से हमें भी सुख शांति मिल गई। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। महाराज जी, नाइन न्यूज में आपका स्वागत है। और वार्ड नंबर लक्ष्मण नगर यानी देवरिया में लगभग 9 दिन से श्रीमद् भागवत का कार्यक्रम आपके द्वारा प्रस्तुत यानी किया जा रहा था। और महाराज जी, आपका नाम क्या है, आप कहाँ के रहने वाले हैं? हमारा नाम संतोष कुमार मिश्रा है जी। मैं भानपुर का रहने वाला हूँ जी। महाराज जी, जो है मतलब क्या संदेश देंगे आप, जो पंडाल में बैठे बहुत सारे भक्तगण हैं, 9 दिन से लगातार कार्य चलता रहा श्रीमद् भागवत का, क्या कहेंगे आप इस अवसर पर? मैं तो भक्तों से यही कहूँगा कि आप सभी लोग सनातन धर्म को आगे बढ़ाते रहिए और भगवान के नाम का कीर्तन और भजन करते रहिए जी, क्योंकि यही एक ऐसा सार है कि जो भक्तों को भगवान से आराम से आराम मुलाकात करवाता है जी। तो महाराज जी, जो है मतलब श्रीमद् भागवत के अवसर पर आप दो बात कही, आप क्या कहना चाहेंगे? श्रीमद् भागवत पुराण के अवसर पर कहना है कि मैं तो अपने सभी भक्तों से यही कहूँगा कि भगवान के नाम का आप लोग खेती कीजिए, क्योंकि इसमें न पैसा लगना है और न कौड़ी लगना है और इसी से जीवन सार्थक होना है और उद्धार होना है जी। तो महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय शिव शंकर। जय बालाजी।